अलैकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज की एक आयत और एक कहानी के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। आज की हमारी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्साबिकूना खैरात, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 148। इसमें खुदावंद आलम फरमा रहा है नेक कामों की तरफ सबकत करो। इसकी ये स्टोरी है कि दो बच्चे होते हैं। हसन एकदम से रोने लगता है, कहता है मेरे पास इतना सारा काम है और मैं कैसे करूँगा, अम्मी तो सो गई हैं। तो रज़ा कहता है कोई बात नहीं हसन, मैं जो है तुम्हारा काम करवा दूँगा। तो हसन कहता है कि भाई आपको मेरा काम आता है क्या? तो रज़ा कहता है हाँ मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा। तो दोनों भाई बैठ के होमवर्क कर लेते हैं। रज़ा हसन को हसन का होमवर्क करवा देता है। तब उनकी अम्मी एकदम से उनकी आँख खुलती है और वो कहती हैं शाबाश मेरे बेटे, तुमने हसन का काम करवाया, मेरी मदद की ताकि मैं कुछ देर आराम कर सकूं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे सबक को पढ़ने के लिए। तो इस आयत में हमें ये मिलता है कि हमें नेक काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। अब अगली आयत के साथ और अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।